हे गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं द इंडियन बायर। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं रेड ड्रैगन सेंटरफोर्स गेमिंग माउस के अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। और साथ ही साथ हमारे पास है रेड गेयर MP3 5 गेमिंग माउस पैड। तो हम इन दोनों प्रोडक्ट की करेंगे फुल इन डेप्थ रिव्यू। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़, ये है रेड ड्रैगन सेंटरफोर्स गेमिंग माउस M601 और इसकी अनबॉक्सिंग मैंने लास्ट वीडियो में की है। तो यहाँ पे मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूँगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स की। तो जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, इसमें आपको 3200 DPI तक का सेटिंग मिलेगा, यानी आप उसको डॉट पर इंचेस की सेटिंग आपकी मैक्सिमम यहाँ पे 3200 DPI तक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 8 ट्यूनिंग वेट्स मिलेंगे जो आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। तो 8 आपको मिलेंगे यहाँ पे, आप अपने हिसाब से वेट इसका एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक लाइट वेट और एक हैवी वेट माउस दोनों हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको जिस तरह का गेमिंग माउस पसंद है, आप उस तरह से आप अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर बात करें इसके कुछ और, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5 प्रोग्रामेबल बटन। तो यहाँ पर आपको लेफ़्ट राइट के साथ स्क्रॉल बटन पर क्लिक मिलता है, और साइड में ये आपको 2 बटन मिलते हैं जो कि आप थंब बटन कह सकते हैं, जिससे आप पेज अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो काफ़ी मज़ेदार है पूरा इसका एक्सपीरियंस, आपको लास्ट वीडियो में बताया है। और ये आप देखें तो लेफ़्ट राइट क्लिक काफ़ी टैक्टाइल है, टैक्टाइल फीडबैक मिलेगा आपको यहाँ से। और यहाँ पे स्क्रॉल बटन भी है, वो भी काफ़ी अच्छा आपको फीडबैक देता है। और ये बीच में आपको देखेगा तो ये DPI बटन है, जहाँ से आप DPI सेटिंग कर सकते हैं, आप स्पीड अपनी एडजस्ट कर सकते हैं, माउस ट्रैकिंग सेंसिटिविटी आप यहां से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऑन द फ्लाई आप कभी भी अपना DPI सेट कर सकते हैं। तो 800 से लेके 3200 तक का DPI आप यहां से चेंज कर सकते हैं। और जो फास्ट ब्लिंकिंग है, उसका मतलब ये सबसे टॉप 3200 DPI तक पे वर्क करता है। और ये आप देख सकते हैं केबल दोस्तों, ये ब्रेडेड केबल है और इस तरह से आप टाई करके अपने कहीं पर भी रख सकते हैं। अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हो, आप उसको आराम से केबल मैनेजमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें तो ये सेटअप है जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि इसका एक इंस्टॉलेशन CD मिलती है, तो आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप स्टेज के अकॉर्डिंग आप अपना DPI सेट कर सकते हैं, 5 प्रोफाइल मिलती हैं तो आप 5 सेटिंग्स करके सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी चीज़ें हैं, बटन असाइनमेंट, मैक्रो मैनेजर, DPI सेटिंग, लाइट सेटिंग। तो लाइट सेटिंग पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आप एडजस्ट कर पाएंगे कि लाइट ऑन रखनी है, ऑफ रखनी है, उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं सारी सेटिंग्स। तो दोस्तों, जब आपके पास एक बढ़िया माउस होता है तो आपको एक बढ़िया माउस पैड की भी ज़रूरत होती है, यानी गेमिंग माउस के साथ आपको गेमिंग माउस पैड की भी ज़रूरत होती है। तो नॉर्मल आपका कन्वेंशनल माउस पैड एक गेमिंग माउस के लिए सही नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक कंट्रोल प्रो सीरीज़ का MP3 5 गेमिंग माउस पैड, और यहाँ पे आप साइज़ दे सकते हैं 350x250x4 mm का ये माउस पैड है, यानी 35 cm x 25 cm x 0.0 cm का ये इसकी पूरी डायमेंशन है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मटेरियल इसका दिख रहा है। तो ये कंट्रोल प्रो सीरीज़ का है, तो यानी कि ये कंट्रोल देगा अच्छी और आपको स्लिपरी फील नहीं होगा यहाँ पे। तो ये रेड गेयर ब्रांड का है। और तो बस फटाफट हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ब्लैक एंड रेड कलर का बॉक्स में रेड गेयर का ये माउस पैड आता है, और काफ़ी हद तक आपके रेड ड्रैगन सेंटरफोर्स माउस की तरह ये बिल्कुल पैकेजिंग है इसकी। और यहाँ पे पिक्सल प्रिसाइज टारगेटिंग एंड ट्रैकिंग नॉन स्लिप बेस लिखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। कंट्रोल प्रो सीरीज़ की खासियत यही है कि आपको यहाँ पर एक अच्छा ग्रिप दिया जाता है। तो बस आप फटाफट इसको अनबॉक्स कर लेते हैं दोस्तों। ये हम खोल के निकाल लेते हैं अपने माउस पैड को, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आता है इस पैकेजिंग में। कवर निकाल दिया, आप देख सकते हैं इस तरह का मटेरियल है। यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको आर्ट बना हुआ ग्राफिक्स मिलेगा, और बैक देखें तो ये नॉन स्लिपरी बेस दिया हुआ है और काफ़ी अच्छा मटेरियल है। और अगर मैं कंपेयर करूँ, मेरे पास कन्वेंशनल जो मेरे पास माउस पैड था जो कि रेगुलर में यूज़ करता हूँ, वो एक नोटबुक हब का ये एक माउस पैड है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर काफ़ी सिंपल है, पीछे की तरफ रबराइज बेस है लेकिन काफ़ी थिक है मटेरियल, और इतना कंपोजिट मटेरियल है जितना कि रेड गेयर का ये माउस पैड है। तो देख सकते हैं आप, खुद ही कंपेयर कर सकते हैं। साइड बाय साइड अगर मैं रख के दिखाऊं
तो आप देख पाएंगे कि ये काफ़ी अलग मटेरियल का है थोड़ा, और ये काफ़ी अलग है, और बिल्कुल अलग दोनों के बीच में डिफरेंस आपको दिख जाएगा। तो इन दोनों से बेटर मैं बोलूँ तो पहला वाला रेड गेयर का मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर है इस रेगुलर कन्वेंशनल माउस पैड से। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी मैं चला के देख रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपको थोड़ी बहुत फ्लो उस तरह का नहीं मिलता, जबकि आपके यहाँ पे आप देखें तो ग्लाइड होता है माउस, आसानी से ग्लाइड होता है, और इसके साथ ये मैच करता है रेड एंड ब्लैक। तो अगर आप ऐसा कॉम्बिनेशन देख रहे हैं अपने लिए, ऐसा कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा नहीं माउस पैड और माउस का। रेड एंड ब्लैक काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, और अगर आपका थीम है गेमिंग का तो आपके पास ज़रूर एक गेमिंग कैबिनेट होगा, पीसी होगी, तो बिल्कुल उसका रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इससे बेटर ऑप्शन आपके पास कोई नहीं है मार्केट में। हालांकि इस गेमिंग माउस पैड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे ये इसका टेक्सचर इतना कुछ खास नहीं लगा है, इसकी जो ग्राफिक्स जो डिज़ाइन है वो कुछ खास नहीं है। जी के अलावा कुछ और भी कर सकते थे, काफ़ी कुछ किया जा सकता था, बट ओवरऑल बात की जाए इसकी क्वालिटी की तो आपको 350 रुपये में इससे बेटर कोई नहीं मिलेगा आपको मार्केट में। तो बस इतना था दोस्तों, ये थी मेरी पूरी इस वीडियो की रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करो, और देख सकते हो आप काफ़ी अच्छा मटेरियल है, ब्रेडेड केबल, रेड कलर का, रेड कलर की माउस लाइट, और ये रेड एंड ब्लैक कलर का माउस पैड। अब मैं यहाँ पे आपको साइड बाय साइड दिखा देता हूँ, मैंने ये माउस पैड इसके कॉर्नर पे एक रख के दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है इसकी साइज़ में और एक कन्वेंशनल माउस पैड जो आप रेगुलरली आप यूज़ करते होंगे अपने घरों में, अपने कंप्यूटर सिस्टम पे। तो ये इस तरह का माउस पैड होता है। हालांकि यहाँ पे स्टिचिंग जो मैं कहूँगा, स्टिचिंग काफ़ी अच्छी है, इसके एजेस पे जो स्टिच हुआ है वो रेड गेयर के से कंपेरिजन में काफ़ी बेहतर है, और ग्रीन फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर काफ़ी अच्छा खिल के दिखता है। और बात करें इसकी तो ये थोड़ा पतला है उससे मटेरियल, लेकिन इसकी क्वालिटी उससे बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है। 350 रुपये में इससे बेटर आपको कोई माउस पैड नहीं मिल सकता है। हालांकि इसकी स्टिचिंग थोड़ी बेहतर हो सकती थी रेड कलर का, रेड एंड ब्लैक अगर होता तो ये एक सोने पे सुहागा होता, बट हर चीज़ अपने कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हैं, तो हम जिस तरह का आपको मिलेगा आपको उसी तरह से काम चलाना पड़ेगा। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है ये माउस पैड, और क्योंकि आपको ये कंट्रोल देता है तो आपका टेफ्लॉन फुट पैड जो आपके माउस में मिलते हैं वो आप बखूबी इसमें इस्तेमाल कर पाएंगे, आसानी से उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। और ये काफ़ी बड़ा है, तो अगर आप गेमिंग में हैं, मैं गेम्स इतने नहीं खेलता हूँ फिर भी गेमिंग की अगर बात करें तो गेमिंग के लिए काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा सरफेस मिलती है आपको यहाँ पे, तो आपकी मूवमेंट हिंड्रेंस नहीं होगी क्योंकि आराम से आप इस पर कहीं पर भी ट्रैक कर पाएंगे, काफ़ी बड़ा एरिया मिलता है तो इसलिए आप मूव कर पाएंगे अपना माउस आसानी से इसके ऊपर। और इन दोनों चीज़ों के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, तो अगर आप परचेज़ करने की सोच रहे हैं तो आप ज़रूर वहाँ से परचेज़ कीजिए, ताकि इससे मेरे को हेल्प मिल पाए थोड़े बहुत चैनल ग्रो करने के लिए दोस्तों। और अगर बात करें, आपको कई बार होगा कि MP 35 का ये रेड गेयर माउस पैड आपको नहीं मिलेगा, तो आप MP 80 ले सकते हैं, जो कि आपको एक एक्सटेंडेड माउस पैड मिलता है जिसमें आप कीबोर्ड और माउस दोनों कवर कर सकते हैं, यानी आपको एक पूरा रेस्ट एरिया मिलता है, काफ़ी एक्सटेंडेड होता है, 80 सेंटीमीटर का माउस पैड है, इसके कंपैरिजन में 3 टाइम्स होगा, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है, तो काफ़ी बड़ा है, एक्सटेंडेड माउस पैड है। तो अगर आपको इसकी अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाती है तो इसके बजाय आप उसको ले सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो गाइज़ ये था मेरा फुल इन डेप्थ रिव्यू बेस्ट गेमिंग माउस एंड गेमिंग माउस पैड पे। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारा इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे हर हफ्ते 2 अनबॉक्सिंग रिव्यू एंड कंपैरिजन वीडियोस। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, हैव अ गुड डे, बाय।